गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, प्लांट न्यूट्रिशन की बात कर रहे थे हम। मिनरल न्यूट्रिशन किस तरह से पौधे मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं और उन मिनरल्स की कमी होने पर किस तरह के सिम्टम्स देखने मिलते हैं, आज हम यही पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले प्लांट्स क्या हैं? ऑटोट्रॉप्स हैं। दे कैन मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, पोटेशियम, ये इसके मैक्रो एलिमेंट होते हैं जो कि 15 ppm से ज़्यादा मात्रा में इनकी आवश्यकता होती है, और जिन एलिमेंट की मात्रा 15 ppm से कम ज़रूरत रहती है उनको माइक्रो न्यूट्रिएंट कहते हैं। ये ठीक इसी प्रकार है जैसे कि आटे में नमक। लेकिन यदि हम कहें कि क्या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को रिप्लेस किया जा सकता है, तो नहीं। हम कहें कि नमक के स्थान पर हल्दी डाल दें थोड़ा सा, या नमक के स्थान पर जीरे डाल दें, तो क्या नमक की पूर्ति की जा सकती है? नहीं। एसेंशियल एलिमेंट्स की जो परिभाषा है वो यही है कि उसको रिप्लेस नहीं किया जा सकता, भले ही वो माइक्रो है या मैक्रो है, इस पर डिपेंड नहीं करता। मिनरल्स इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स होते हैं, इनको आयन के रूप में, चाहे वो नेगेटिव आयन हो या पॉजिटिव आयन, पौधे आयन के रूप में पानी के साथ इनको एब्जॉर्ब करते हैं विद द हेल्प ऑफ जाइलम टिश्यू। और जो न्यूट्रिएंट्स रहते हैं वो एनर्जी प्रोवाइडर का काम करते हैं। तो एसेंशियल और बेनिफिशियल कौन कौन सी हैं? एसेंशियल जो है वो सब पौधों के लिए ज़रूरी हैं, और इनके एब्सेंस में क्या हो सकता है, डिफिशेंसी सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं। ये लाइफ साइकिल के लिए आवश्यक होते हैं और मिनरल न्यूट्रिशन के द्वारा इनकी पूर्ति की जा सकती है। बेनिफिशियल क्या रहते हैं? ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए काम आते हैं, और कुछ विशेष प्रकार की स्पीसीज में ही ये, जैसे हमको लार्ज प्रोडक्शन चाहिए, अनाज का उत्पादन ज़्यादा चाहिए, विशेष परिस्थितियों में ये बेनिफिशियल की आवश्यकता होती है, और कम स्पीसीज में ही ये सोडियम, सिलिकॉन और सेलेनियम की आवश्यकता होती है, तो इनको बेनिफिशियल कहा जाता है। मेजर जो एसेंशियल एलिमेंट हैं उनमें सबसे प्राथमिक जो है वो CHO हैं। गैसों के रूप में इनको एब्जॉर्ब किया जाता है। C और H मीथेन बन जाते हैं, H और O वाटर बन जाते हैं, C और O कार्बन डाइऑक्साइड बन जाते हैं। तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, इनको गैसों के रूप में एब्जॉर्ब किया जाता है। दूसरे नंबर पर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, माइक्रो एलिमेंट, नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। इनकी ज़्यादा मात्रा की आवश्यकता पौधों को होती है। इनमें भी NPK जो है मेजर मैक्रो थ्री एलिमेंट है। NPK आप यूरिया या DAP की बोरियों में देखेंगे NPK लिखा रहता है, या डायरेक्ट लिखा रहता है 18-18-0। इसका मतलब N की मात्रा 18 है, ठीक है, P की मात्रा 18 है, और K जो है वो 0 है। इस तरह से बोरियों में ये अंकित रहता है। तीसरा कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, ये सेकेंडरी मैक्रो एलिमेंट रहते हैं। आयरन, मैंगनीज, जिंक, कॉपर, मॉलिब्डेनम, ये माइक्रो एलिमेंट हैं। कौन कौन से हैं? आयरन, मैंगनीज, जिंक, कॉपर और मॉलिब्डेनम, बोरॉन। इनको सॉइल सॉल्यूशन के द्वारा कम अमाउंट में पौधों के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है, और इनका कंसंट्रेशन 15 ppm से ज़्यादा होता है। बोरॉन जो है वो बहुत ही कम मात्रा में आवश्यक होता है, और ये 0.5 ppm सॉइल सॉल्यूशन में इसकी आवश्यकता होती है। बोरॉन जो है वो पोलन जर्मिनेशन के लिए बहुत आवश्यक एलिमेंट है। जहाँ तक क्लोरीन और सोडियम की बात करें तो ये डैमेजिंग न्यूट्रिएंट्स हैं, क्योंकि सोडियम क्लोराइड जो है वो साल्ट बना लेता है, और ये साल्ट क्या करते हैं, पानी को जो है एक्सोसमोसिस के द्वारा पौधों से बाहर निकाल देते हैं। तो प्लांट टिश्यू के लिए इनकी ज़्यादा मात्रा में आवश्यकता नहीं होती। हम NPK के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहला है नाइट्रोजन, हम देखेंगे इसकी कमी होने पर पौधा कैसा दिखाई देगा। मेजर कंपोनेंट है, प्रोटीन, हार्मोन, विटामिन और एंजाइम इससे बनते हैं, और इसको पौधे डायरेक्ट एयर के द्वारा एब्जॉर्ब ना करके, जो दाल वाले पौधे रहते हैं, राइजोबियम कीटाणु के द्वारा, राइजोबियम बैक्टीरिया के द्वारा नाइट्रोजन फिक्सिंग से पौधों में ये पहुंचता है। इसकी कमी होने पर एक तो फसल का उत्पादन प्रभावित होता है, और साथ में पत्तियाँ जो है वो पीली पड़ जाती हैं, ग्रोथ रुक जाती है। एक्सेसिव अप्लाइड होने पर डिले फ्लावरिंग और फ्रूटनिंग, यानी फल और फूल जो है वो देरी से आते हैं ज़्यादा मात्रा में होने पर। नाइट्रोजन के फंक्शंस क्या हैं? जैसा कि बताया गया, प्रोटीन, सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन और जेनेटिक मटेरियल को बनाने में नाइट्रोजन का इंपॉर्टेंट रोल है। डिफिशियंसी होने पर ग्रोथ और सेल जो एलोंगेशन है वो रुक जाता है। ये इस तरह से नाइट्रोजन डिफिशियंसी आप देखेंगे, पत्तियाँ जो है वो पीली पड़ना शुरू कर देती हैं, ठीक है, स्टंटेड ग्रोथ हो जाती है, ग्रोथ भी जो है वो रुक जाती है, और इस तरह से ये नाइट्रोजन की कमी हम
सीन कर सकते हैं। दूसरा एलिमेंट है पी, मतलब फास्फोरस। सीड जर्मिनेशन में मदद करता है, फोटोसिंथेसिस में फास्फोरस की आवश्यकता है, और सबसे बड़ी चीज़ है एनर्जी में जो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में जो पी है वो फास्फोरस का ही है। ये लो पीएच होने पर फास्फेट बीइंग केमिकली लॉक्ड अप इन ऑर्गेनिक सॉइल, पीएच कम होने पर, ठीक है, 4 से कम होने पर, एसिडिक होने पर फास्फोरस पौधे एब्जॉर्ब नहीं कर पाते क्योंकि फास्फोरस की जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है वो लॉक हो जाती है। फास्फोरस मस्ट बी अप्लाइज क्लोज टू द प्लांट रूट, इनको जड़ों के पास छिड़का जाता है। सुपर फास्फेट के रूप में पौधों को हम क्या करते हैं, पहले ही मिट्टी में छिड़क देते हैं पाउडर के रूप में और फिर उसको बखर कर देते हैं ताकि मिट्टी में आसानी से मिक्स हो जाए। डिफिशियंसी होने पर आप देखेंगे स्टेम जो है वो पर्पल कलर का हो जाता है, मैच्योरिटी जो और ग्रोथ जो है वो उनकी रुक जाती है पौधों की। फलों का उत्पादन, फूलों का उत्पादन बहुत कम होता है फास्फोरस के कारण। प्री मैच्योर ड्रॉप ऑफ फ्रूट, यानी कैरी आम बनने के पहले ही जो छोटी छोटी आमियाँ रहती हैं वो गिरने लगती हैं जरा सी हवा चलने पर, मतलब फास्फोरस की कमी है। ज़्यादा मात्रा में होने पर लार्ज एप्लीकेशन ऑफ फास्फोरस विदाउट एडिक्वेट लेवल ऑफ जिंक कैन कॉज जिंक डिफिशियंसी। देखिए फास्फोरस और जिंक एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं, ज़्यादा फास्फोरस होगा तो जिंक की कमी पौधे में शो हो जाएगी। फास्फोरस डिफिशियंसी होने पर इस तरह के आपको सिम्टम्स पौधों में दिखाई देने लगते हैं, ग्रोथ स्टंटेड तो होती है, ग्रोथ तो रुकी जाती है, लेकिन साथ साथ पत्तियाँ भी जो है वो मुरझा जाती हैं, पीली पड़ जाती हैं। तीसरा है के, मतलब पोटेशियम, नेसेसरी फॉर फॉर्मेशन ऑफ शुगर स्टार्च कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन सिंथेसिस। पोटेशियम इज नेसेसरी फॉर डिवीजन इन रूट, हेल्प इन एडजस्टेड वाटर बैलेंस, इंप्रूव रिजिडिटी एंड कोल्ड हार्डनेस, फ्लेवर एंड कलर ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल क्रॉप्स, अच्छे चटकदार चमकदार रंग और बड़े बड़े फल लाने में ये और फूल आने में पोटेशियम का इंपॉर्टेंट रोल होता है। इंक्रीज द ऑयल कंटेंट, जैसे सोयाबीन की खेती है, मूंगफली की खेती है, तो पोटेशियम से उसके अंदर ऑयल एनरिचमेंट बढ़ जाता है। कमी होने पर लो यील्ड होगी, मोटल्ड स्पॉटेड कर्ल लीव होंगी, यानी पत्तियां मुरझा जाएंगी, मुरझने लगेंगी, और इस तरह के ये सिम्टम्स जो है वो पोटेशियम के सिम्टम्स आपको पत्तियों में इस तरह के धब्बों के रूप में आपको दिखाई देंगे। ये पहचान है कि पौधे में पोटेशियम की कमी है। सेकेंडरी एलिमेंट के बारे में हम कल बात करेंगे। थैंक यू।